एक बार की बात है, कालिया और उसकी पत्नी अपना घर बेचकर दूसरे गांव में रहने के लिए आते हैं। कालिया बहुत लालची होता है और नए घर की तलाश कर रहा होता है। जमींदार साहब, मुझे एक नए घर की तलाश है, लेकिन मैं ज्यादा पैसे नहीं देने वाला। आप कहीं मुझे बेवकूफ मत समझना, मुझे सब पता है। लगता है ये अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझदार समझ रहा है। ये ज्यादा पैसे नहीं खर्चने वाला, इसे कोई सस्ता सा ही घर दिखाना होगा। एक काम करता हूँ, इसे वो कब्रिस्तान के पास वाला घर बेच देता हूँ। देखो भाई, मेरे पास एक घर है, वो तुम्हारे मुताबिक ही है और ज्यादा महंगा भी नहीं है। तो फिर देर किस बात की भाई, मैं आज ही वो घर खरीद लूंगा। चलो मुझे वो घर दिखा दो। अरे यार, अगर इसे अभी वो घर दिखा दिया तो इसे घर के पीछे बना कब्रिस्तान दिख जाएगा। इसे रात के अंधेरे में वो घर दिखाऊंगा। देखो भाई कालिया, अभी मुझे किसी जरूरी काम से जाना है, मैं रात को तुम्हें वो घर दिखा दूंगा। फिर इतना बोलकर वह जमींदार वहां से चला जाता है। रात होने पर वह कालिया और उसकी पत्नी को घर दिखाने ले जाता है। वह घर कालिया को बहुत पसंद आ जाता है क्योंकि उसकी कीमत बहुत कम होती है और वह खुशी खुशी उस घर को खरीद लेता है। फिर जमींदार पैसे लेकर वहां से चला जाता है। अजी, मुझे तो ये घर कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे तो यहाँ दहशत सी महसूस हो रही है। चल पगली, ऐसा कुछ नहीं है, नए नए घर में अक्सर ऐसा लगता है, सब ठीक हो जाएगा। फिर वे दोनों सो जाते हैं। तभी आधी रात होते ही कब्रिस्तान की मिट्टी में कुछ हलचल होती है और कब्रिस्तान से एक हाथ बाहर निकल आता है। और बहुत डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। तभी राधा की नींद खुल जाती है। अजी उठिए ना, देखिए ना कैसी अजीब अजीब से आवाजें आ रही हैं। उठिए ना। अरे क्या हुआ, चैन से सोने भी नहीं देती। अजी मुझे तो उस खिड़की से बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। जरूर उस खिड़की के पीछे कोई है जो अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा है। तभी एक भूत कब्रिस्तान से बाहर निकल आता है और पास के घर में रोशनी देखकर उसकी तरफ चल पड़ता है। अरे भगवान, कुछ नहीं है, तुम डरो मत, कोई नहीं है, चुपचाप सो जाओ। फिर वे दोनों फिर से सो जाते हैं। तभी वह भूत जोर जोर से उनकी खिड़की को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। अरे मर गई रे, ये कौन है जो इतनी जोर जोर से खिड़की को पीट रहा है। अच्छी उठिए ना, देखिए ना, वहाँ वहाँ जरूर कोई है जो हमारी खिड़की को पीट रहा है। फिर राधा की जबरदस्ती करने पर कालिया उस खिड़की के पास जाता है और जैसे ही खिड़की खोलता है, भूत उसे देखकर वहां से गायब हो जाता है। क्योंकि कालिया ने ताबीज पहना होता है, लेकिन कालिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि उसे वहां एक कब्रिस्तान दिखता है। अरे मर गई रे, राधा जल्दी यहाँ आओ, देखो यहाँ क्या है। अजी ये तो कब्रिस्तान है, हे भगवान, ये हमने कहाँ घर ले लिया। तभी वो कमबख्त जमींदार हमें कम कीमत में ये घर बेचकर चला गया। फिर वे खिड़की को बंद कर देते हैं और दूर जाकर बैठ जाते हैं। तभी फिर से कोई उस खिड़की को जोर जोर से खटखटाने लगता है। वे दोनों बहुत डर जाते हैं और पूरी रात ऐसे ही निकाल देते हैं। फिर अगले दिन वो दोनों उस जमींदार की तलाश करने लगते हैं, लेकिन उन्हें उस जमींदार का कोई नामो निशान नहीं मिलता। फिर वे थक हार कर वापस अपने घर आ जाते हैं। फिर रात होने पर वे दोनों सो रहे होते हैं। तभी वो भूत फिर से कब्रिस्तान से बाहर निकलता है और उनके घर की खिड़की के पास पहुंच जाता है।
और जोर जोर से उसे पीटने लगता है। अजी उठिए, फिर से कोई हमारी खिड़की पीट रहा है जी। मुझे लगता है ये जरूर किसी की शरारत है, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। फिर इतना बोलकर कालिया हाथ में लाठी लेकर खिड़की की ओर चला जाता है। उस दिन उसने अपना ताबीज नहीं पहना होता, फिर वह खिड़की को खोल देता है। ए, कौन है वहाँ? खबरदार, अब दोबारा इस खिड़की को खटखटाया ना तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। बहुत दिनों के बाद कोई इस घर में रहने आया है, तुम तो मेरे पड़ोसी हो, आओ ना, तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। उस भूत को देखकर कालिया की हालत खराब हो जाती है। तभी वो भूत कालिया की गर्दन पकड़कर उसे खिड़की से बाहर खींच लेता है। अरे मर गया, अरे अरे राधा, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, अरे भाई कोई मेरी मदद करो, अरे मर गया, अरे अरे मर गई रे, ये सब क्या हो गया? मैंने इन्हें कहा भी था कि खिड़की मत खोलिए, अब क्या करूं? ये कंबख्त भूत तो इन्हें अपने साथ ले जा रहा है। वो भूत कालिया की टांग पकड़कर उसे घसीटता हुआ ले जाने लगता है। अब क्या करूं? मुझे इनकी मदद करनी ही होगी, नहीं तो ये भूत इन्हें अपने साथ अपने कमरे में ले जाएगा। फिर राधा भागती हुई जाती है और कालिया का हाथ पकड़ लेती है और उसे अपनी ओर खींचने लगती है। लेकिन वह भूत बहुत ताकतवर होता है और कालिया को अपने साथ घसीटता हुआ ले जाने लगता है। राधा राधा, कोई फायदा नहीं है, ये भूत बहुत ताकतवर है, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो ये तुम्हें भी मेरे साथ कब्र में ले जाएगा। राधा को कुछ समझ नहीं आता कि वो कालिया की मदद कैसे करे। अरे कोई है, कोई हमारी मदद करो, ये भूत मेरे पति को अपने साथ कब्र में ले जा रहा है, हमारी मदद करो, कोई तो हमारी मदद करो। फिर वह भूत कालिया को अपने साथ कब्र के अंदर ले जाने लगता है। अरे अरे मर गया, अरे अब मैं नहीं बचूंगा, अरे मर गया, अरे राधा राधा कुछ करो। फिर राधा कालिया के दोनों हाथों को पकड़कर कब्र से उसे बाहर खींचने लगती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और वो भूत कालिया को कब्र के अंदर खींचने लगता है। अब कोई फायदा नहीं है राधा, अलविदा। तभी राधा भागती हुई वापस घर के अंदर जाती है, जहां कालिया का ताबीज पड़ा हुआ होता है। वह उस ताबीज को उठा लेती है और वापस कालिया की तरफ भागने लगती है। कालिया कब्र के अंदर जा चुका होता है, सिर्फ उसका एक हाथ ही बाहर निकला हुआ होता है। फिर राधा उस ताबीज को अपने हाथ में लपेट लेती है और उसी हाथ से कालिया का हाथ पकड़ लेती है और उसे खींचने लगती है। ताबीज की वजह से उसके हाथ में बहुत शक्ति आ जाती है और कालिया बाहर आने लगता है। अरे ये क्या, ये कौन है जो इसे बाहर की तरफ खींच रहा है? फिर भूत भी नीचे से कालिया की टांग पकड़कर उसे खींचने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अरे ये क्या, ये कैसे हो सकता है? और देखते ही देखते राधा कालिया को कब्र से बाहर खींच लेती है। अरे वाह राधा, तुम में इतनी शक्ति कैसे आ गई? आखिर तुमने ये कैसे किया? अजी ये सब इस ताबीज की शक्ति की वजह से हुआ है, चलिए हम यहाँ और नहीं रुक सकते, वो भूत किसी भी पल बाहर आ सकता है। फिर वे दोनों भागकर अपने घर में चले जाते हैं। वो भूत भी कब्र से बाहर निकल आता है और सीधा उनकी खिड़की के पास पहुंच जाता है। और जोर जोर से खिड़की को तोड़ने लगता है। अरे मर गए रे, ये कंबख्त तो हाथ धोकर हमारे पीछे ही पड़ गया है, अब क्या करें? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू मेरा शिकार है, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब क्या करें भगवान? फिर राधा भागकर जाती है और उस ताबीज को खिड़की पर टांग देती है।
तभी आवाजें आनी बंद हो जाती हैं। फिर वे दोनों आराम से उस घर में अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।